भाई या कि ना दिल्ली वालों की राज और नीलेश है मैं टिकट वालों की सुनो क्या बोलो फिर से आगे तो भाई आऊंगा ही ना आज भी कुछ चैलेंज लेके आया हूं तो तुम्हें डायमंड नहीं चाहिए मैं डायमंड लेके आया हूँ चैलेंज लेके नहीं आया डायमंड चाहिए भाई फिर क्यों कह रहा है फिर से आ गया बोलो आपकी जरूरत थी मेरे को आईडी लिखो दूंगा यार ऐसे नहीं थोड़ा सा रुको जरा सबर करो चलो तो डायमंड के लिए क्या करना होता है चैलेंज और चैलेंज आज भी हम करेंगे करने के लिए तैयार हो तो आज हम लोग एक ऐसा चैलेंज करेंगे जिसमें आप लोगों को मेडिकेट ढूंढनी होगी सबसे ज्यादा मेडिकेट कहाँ मिलती है मेरे को तो क्लॉक टावर भाई ये तो क्लॉक टावर जाएगा तुम दोनों अपना सेटल कर लो कहाँ जाना तुमको ठीक है देख ले भाई तुमको जहाँ जाना होगा जाना सोलो मैच खेलना है ठीक है मेडिकेट ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा मेडिकेट ढूंढेगा वो बंदा विनर होगा और उसको मिलेंगे आज 500 डायमंड नहीं मिलेंगे आज चैलेंज थोड़ा सा ज्यादा मजे वाला है क्योंकि आज तीन लोगों तो चैलेंज भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और डायमंड भी आज ज्यादा मिलेंगे 1000 आज डायमंड तुम लोगों को मिलेंगे 1000 ठीक है तो जो स्टार्ट किया जाए तो आज खेलेगा कौन सबसे पहले हर बार की तरह राज ही खेलेगा तो चलो भाई स्टार्ट करो मैच को जल्दी उठा ले अबे भाई प्लेन में 50 बंदे हैं सबसे से दो दो लेगा तो 100 हो जाएंगे देख रहा है डर और भाई अगर तुम लोग मर गए तो मैं भाई तुम लोगों को मान लूंगा कि तुम लोग हार गए मरना नहीं है मतलब नहीं ऐसा नहीं कि मतलब तुम बोलो कि मैं मर गया तो मैं दोबारा मैच खेलूंगा ऐसा नहीं हाँ 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 तो यार भाई एक प्रॉब्लम हो जाती है मतलब क्या होता है कि मेरे फ़ोन में जिस फ़ोन से मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था उसका फोन मतलब कब स्टोरेज फुल हो गया मुझे पता ही नहीं चलता है तो उसके लिए सॉरी बट हाँ सिर्फ यही नहीं मतलब थोड़ा सा एक क्लिप गायब हुआ है फिर जब नैतिक गेम प्ले करेगा तो उसका है नीलेश गेम प्ले करेगा तो उसका है बस थोड़ा सा गेम प्ले मतलब जो कैमरे का रिकॉर्डिंग था वो थोड़ा सा गायब हुआ है बाकी सारी चीज़ें हैं ठीक है यार होता ये है कि राज को स्टार्टिंग में तो उतरते ही दो मेडिकेट मिल जाती हैं ठीक है और उसके बाद एक और मिल जाएगी मतलब अभी थोड़ा सा आगे जाएगा तो एक और मिल जाएगी जैसे देखो अभी हाँ तीन इसको मेडिकेट मिल गई है और अब इसके बाद इसको मेडिकेट नहीं मिलती पता नहीं आज राज का जो लक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है ठीक है तो उसके बाद मेडिकेट मिल जाती है उसके बाद ये जाता है एक बैग परचेज़ करता है और बैग जैसे ही परचेज़ करता है इसके पास आ जाता है बंदा और बंदा इसको मार देता है और भाई उसके बाद राज को आज सिर्फ और सिर्फ तीन ही मेडिकेट मिलती हैं और यहाँ पे देखो ये बंदा आया ना अभी इसको ये मार देगा ठीक है राज से मतलब स्टार्टिंग में फाइट हो गई और राज को बंदे ने मार दिया और भाई राज की आज किस्मत बहुत ख़राब थी मतलब उसको बहुत बुरा लगा वो सारी चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिल ही जाएगा आप सोचो अगर ऐसा हुआ जैसे नैतिक बोले कि मैं तो भाई वहाँ जाऊँगा क्या कहते हैं उसको सेंटोसा और नैतिक उतरते ही एलिमिनेट और एलिमिनेट हो जाएगा क्या पता गेम ना चाहता हो गया जीते और उसको शुरू होते ही खत्म कर दे और क्या पता प्लेन में ही मर जाए हैकर आया हो क्या पता कुछ भी हो सकता है भाई क्या पता नैतिक भाग रहा हो सामने मेडिकेट और ऊपर से एयर ड्रॉप नैतिक के ऊपर आके गिर जाए गजब तेज जाती है अब भीमा शक्ति तब तो टावर पे से ही मर जाएगा ये नीचे कूदते कूदते प्लेन स्टेशन प्लांटेशन जा रहा है नहीं मिलेगा तो बंदा मिलेगा मेडिकेट तो नहीं मिलेगी मिली कुछ तो जरूर मिलेगा पता क्या मिलेगा बंदा वो भी दो दो नैतिक को मिलेगी सबसे पहले गन जिसको कहते हैं फमास वो भी नहीं मिलेगी घर के बाहर उतरे अभी घर में जाएगा भाई साहब ईके अभी सामने से बंदा कट्ठा लेके आएगा और नैतिक के हेड में मारेगा एक मिली चलो भाई अब रात से जीतने के लिए नैतिक को सिर्फ तीन मेडिकेट और चाहिए दो गई तीन हो भी गई मतलब राज को अब रात से जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ नैतिक को एक मेडिकेट और चाहिए आज भाई मतलब मेरे चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा अभी तक विन राज ने करा है और आज राज मतलब ऐसा लग रहा है कि सेकंड पे भी नहीं आएगा सीधे थर्ड
थर्ड की बात है कि मैं हार रहा हूं। थर्ड वेव आ चुकी है, नैतिक थर्ड राज थर्ड आ गया। थर्ड है यार, मैंने ऐसा वैसे देखो नैतिक राज हमेशा टॉप पे रहता है, चाहे आगे से हो या पीछे से, पर आज और प्रो प्लेयर आ गया तो मैं जीत जाऊंगा। हां आज नीलेश आया है तो शायद नीलेश जीत जाए। नैतिक जीत गया ना, नैतिक के पास भाई यहाँ पे 4 मेडिकेट चोर और नैतिक यहाँ पे राज से जीत चुका है। नैतिक इज द विनर, नहीं है आए हाय हाय भाई साहब, क्या पता नैतिक, क्या पता मिले प्लेन में एलिमिनेट हो जाए। तो भाई अगर अगर नीलेश यहाँ पे एक मेडिकेट दो मेडिकेट या 3 मेडिकेट के साथ मर जाता है तो यहाँ पे विनर हो जाएगा नैतिक। वैसे मैं बताऊँ नैतिक ने भी एक टाइम पे एक चैनल बनाया था जिसका नाम था बहुना गेमिंग। बहुना गेमिंग इज हेयर, व्हाई आई एम स्टिल हेयर, बहुना गेमिंग इज हेयर। नूब नहीं बोलने का भाई, उसको तुम लोग ऐसा बताओ कि जहाँ उसको मेडिकेट ना मिले, तुम उसको बता रहे हो कि मिले। अरे यार कैसे अपोनेंट है तुम लोग भाई, ये दोनों के दोनों अपोनेंट एकदम लुल हैं लुल। भाई 5 मेडिकेट यहाँ पे नैतिक के पास हो चुकी है। ओह ओह मेडिकेट मेडिकेट लगाइए, एक मेडिकेट कम होते हुए नैतिक के। अच्छा नहीं लगाई, 10 की भी एचपी बचेगी, एक भी मेडिकेट नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा भाई, मैं नैतिक की जगह रहूँ तो एक एचपी रहेगी, फिर भी मेडिकेट नहीं लगाएगा। डिब्बा लूट सकते हैं? कौन सा डिब्बा? ये पीला पीला। कुछ भी लूट सकते हो, मेडिकेट चाहिए भाई। उसमें मेडिकेट मिले, हाँ लूट सकते हो, कुछ भी लूट सकते हो, बस खरीद नहीं सकते। देखियो मेडिकेट के पीछे बंदा होगा, अरे भाई बंदा है, 9 मेडिकेट हो गए, 11 हो गए, इनहेलर मारा, ठीक है कितना प्रो है भाई, कितने हो गए मेडिकेट? 11 19 तो है, तो जो मैंने बताया वो करो ना, 19 है, बंदे के सामने जाओ, हेड पे निशाने लगाओ और वो आपको मार दे, उसके बाद आपके पास 38 मेडिकेट। डबल एक हेडशॉट मेडिकेट को डबल कर सकता है। सिर्फ 7 बंदे बचे हैं, 8 हाँ मेरे अलावा 7, मतलब नैतिक बुइया ले ले, बुइया ले लेगा तो भाई इसको पकड़ लेगा, मेरे कच्चे बचुड़िया ने नहीं मिल पाए। 17-19 मेडिकेट हो गई ना, मतलब अगर यहाँ पे भी नैतिक मर जाता तो नीलेश को 20 मेडिकेट ढूंढनी पड़ेंगी भाई। 20 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है मेडिकेट के मामले में। कौन सा मेडिकेट? जैसे तुम्हारा बैग फुल हो गया और सामने मेडिकेट है, तुम उसको उठा नहीं पा रहे हो, तो उस मेडिकेट को मतलब काउंट कर लेना, उठाना मत। अब नैतिक क्या करेगा? डिंचक डिंचक डिंचक। नैतिक के पास गन है? वो भी लॉन्ग रेंज शॉट में है नहीं। पता लेके आ गया। पता लेके आ गया। भाई, ओ, ओ। मार दिया। नैतिक ने मार दिया। सकल देखो भाई नैतिक की। नैतिक को मार दिया हैं? नहीं। अच्छा जो नैतिक को मारने आया था, नैतिक मेडिकेट मारेगा तो काउंट करूंगा मैं। क्या इनहेलर मारा ना नैतिक ने? बट भाई यहाँ पे नैतिक ने कितनी मेडिकेट की थी? 21 मेडिकेट नैतिक ने कलेक्ट कर ली थी। और अब अगर ये चैलेंज जीतना है नीलेश को तो नीलेश को ढूंढने पड़ेंगे 22 मेडिकेट। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होते जा रहा है ये नीलेश के लिए। चलो नीलेश इस साइड आ जाओ, नैतिक नैतिक इस साइड आ जाओ। क्या लगता है नीलेश कर पाओगे? नैतिक आपको कितनी खुशी हो रही है ये चीज करते हुए कि आपने 22 मेडिकेट ढूंढ ली? 21 बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 1000 डायमंड नैतिक की तरफ आते हुए, आय हाय हाय। चलो वो सब छोड़ो, अभी अभी बात आ जाती है सीधे मेडिकेट ढूंढने के ऊपर। तो नीलेश को यहाँ पे अभी तक मेडिकेट मिली है 0। हाई नीलेश अपन, हाय 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 हाय, लेवल 2 का बैग भी मिल गया, वुड पैकर भी मिल गया। नैतिक की सपन देखो, दो मेडिकेट हो गए इसके पास। एट दिस लास्ट चलो दीपू जाऊंगा, मतलब दीपू जाऊंगा। नैतिक के जीतने के लिए 22 मेडिकेट ढूंढनी है ना, 2 मिल गए, 20 और उसको नाचना पड़ेगा। ढिंचक 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 ढिंचक
पता है ना कैसे कैमरे के सामने वो वाले गाने पे नाचना है, मुंबई किन्ना दिल्ली बालों की, पिंकी है मेडिकेट बालों की, नहीं हम गाएंगे ना वो गाना। तो मतलब अगर अगर ऐसा हुआ कि राजा हार गया, नीलेश भी हार गया और नैतिक जीता, तो सब लोग गाएंगे मुंबई किन्ना दिल्ली बालों की, राज है नैतिक नहीं पिंकी है मेडिकेट बालों की, आए हाय नैतिक के मुंह में लड्डू फूटा। अभी नैतिक बहुत खुश है कि अब तो राज मेरा नौकर है, क्योंकि राज गाना गाएगा मुंबई किन्ना दिल्ली बालों की, पिंकी है मेडिकेट बालों की, है ना नैतिक? तीन भाई अब मतलब राज से तो जीत ही जाएगा। तो वैसे एक बात है कि राज हमेशा टॉप पे रहता है, चाहे आगे से हो या पीछे से हो। आज अगर आप जीते तो ये हैट्रिक होता, जीत गया आपसे। अब भाई यहाँ पे नीलेश को 4 मेडिकेट मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी नैतिक से जीतने के लिए अभी 18 मेडिकेट और ढूंढनी पड़ेंगे। क्या दूसरा चैलेंज जब लाओगे? हाँ उसमें आप आप तो राज पूरा एकदम तैयारी करके आने वाला है नेक्स्ट चैलेंज के लिए, है ना राज? वो तो मिलेगा नहीं आप लोग, हिंट और नहीं देता मैं, हिंट नहीं देता मैं, आप लोग एकदम तैयार हो जाओ। आप लोग फ्री फायर का इतने बड़े चैलेंज कार बन जाओ कि आपको कोई भी चैलेंज ना हारा। आप लोग खुद सोचो और मेरे को बताओ कि ये करेंगे आज, लेकिन मैं वो करूँगा ही नहीं, मेरे को पता है तुम लोग उसके लिए तैयारी करके आओगे। ये बहुत अच्छी बात कही है मैंने, और मुझे आपकी शक्ल देख के थू करने का मन करता है। तो जितने दे जितने दे, ओ मर गया, ओ ओ भाई कैसा लग रहा है नैतिक आपको जीत? कैसा लग रहा है नीलेश? और राज आपको कैसा लग रहा है? The one and only राज। चलो भाई आज का चैलेंज नैतिक, जल्दी जल्दी बैठ जाओ सारे, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, इधर हो जाओ, एकदम चिपक जाओ। अबे ऐसे क्यों भाई तू? अच्छा ये वो वाला गाना गा लूंगा, मुंबई किन्ना दिल्ली वालों की, राज और नीलेश है मैं टिकट वालों की। तो भाई आज की वीडियो खत्म करते हैं, आज का जो विनर है वो है नैतिक, क्योंकि भाई नैतिक ने ढूंढी टोटल 21 मेडिकेट, और राज ने ढूंढी 3 मेडिकेट, और नीलेश ने ढूंढी 5 मेडिकेट, तो 7 मेडिकेट। तो भाई बहुत अच्छा खेले सब के सब, पर नैतिक और अच्छा खेला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए भाई तीनों तैयार हो के आना, क्योंकि अगली बार और तगड़ा चैलेंज करेंगे और तगड़े विनर भी मतलब प्राइज भी होंगे। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं, और आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वापस लाइक करना और शेयर भी कर देना। अगर आपको भी ऐसे चैलेंज करने है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, बाय 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 बाय।